मैं डॉक्टर आरपी सिंह, होम्योपैथिक चिकित्सक। आज आपको कुछ होम्योपैथिक मदर टिंचर औषधियों की मूल वस्तु, प्रस्तुति, क्रिया, शक्ति एवं रोगों की चिकित्सा के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप में से किसी को ऐसी समस्या हो तो निःशुल्क परामर्श हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मदर टिंचर एट्रोपिनम, यह दवा मिर्गी, पलकों का अकड़न, नाना प्रकार के नेत्र रोग, निम्नांग का लकवा, पागलपन, तुतलापन, बिछावन पर पेशाब कर देना, पेट का घाव, गर्दन के अकड़न आदि रोगों में व्यवहार किया जाता है। मदर टिंचर एस्पेरेगस ऑफिसिनेटलिस, बहुमूत्र शोथ, मस्तक की सर्दी, इन्फ्लुएंजा तथा मूत्र नली के रोगों में इसका प्रयोग होता है। मदर टिंचर एस्टेकस फ्लोरिलिटिस, यह दवा कमला रोग, यकृत की गड़बड़ी, आम बात, लसिका ग्रंथियों का फूलना, स्नायुशूल, पकवाशय की बीमारियां, दांत का दर्द एवं अनेक तरह के अवरुद्ध का रोग आदि में प्रयोग हुआ। मदर टिंचर एरम डेक्रांटियम, यह औषधि का प्रयोग दमा, घुंडी, खांसी, स्वर भंग, मलद्वार और योनि द्वार की खुजली आदि में होता है। मदर टिंचर एम्बेलिया राइबस, यह औषधि विशेषकर बच्चों के कृमिजन्य रोग, अजीर्ण, पेट फूलना, अतिसार आदि में लाभदायक है। टिंचर ओसियम ग्रेटिसिमम, पेशाब में जलन, कड़क, बूंद बूंद पेशाब का होना और पेशाब से मवाद तथा खून का स्राव आदि कष्टों में इस दवा का प्रयोग बहुत लाभदायक। मदर टिंचर ओसिमम कैरियोफाइलेटम, इस दवा का व्यवहार प्रमेह जनित रोगों में विशेष लाभ पहुंचाए। मदर टिंचर ओसिमम सेंक्टम, इसका प्रयोग सर्दी के ज्वर, सर्दी, खांसी तथा बच्चों के बहुत सी बीमारियों में हुआ करता है। मदर टिंचर ओल्डन लेंडिया हर्बेसिया, यह दवा पित्त पापड़ा से तैयार होती है। इसके मूल अर्क से ज्वर, मलेरिया ज्वर और पुराना ज्वर आराम हो जाता है। जाड़ा लगकर ज्वर आता है, एक दिन तेज ज्वर और दूसरे दिन कम ज्वर होता है। माथे में दर्द हुआ करता है, नेत्रों, मुंह में तथा पैरों में जलन होती है। मदर टिंचर ओनोसमोडियम, इस औषधि का प्रयोग नेत्रों की ज्योति की कमी, एक का दो दिखना, किसी भी रंग का न दिखाई देना, अस्तनों की दुर्बलता या सूख जाना, अतिसार, गर्भावस्था का बमन, मेरुदंड का रक्ताधिक्य तथा इंद्रियों का शिथिल हो जाना आदि रोगों में। मदर टिंचर ओरिगेनम, यह औषधि की क्रिया स्नायु मंडल पर ही होती है। इसका रोगी बहुत अधिक शारीरिक श्रम करना चाहता है और करता भी है। जब कोई कार्य नहीं रहता तो इधर उधर सड़कों पर या अनंत कहीं भी दौड़ धूप करता रहता है। मदर टिंचर ओलियम जैकोरिस एसएलआई, इस दवा का प्रयोग बच्चों के रोग में अधिकतर किया जाता है। बिना किसी कारण विशेष के ही बच्चों की दुर्बलता ही उसका मुख्य निर्णायक लक्षण। मदर टिंचर ओर्नियो गेलम अम्बेलेटम, इस औषधि का प्रयोग क्षेत्र पाकस्थली और पीठ, पाकस्थली की जीर्णता, पाचक यंत्र का कैंसर, पेट की तमाम जगहों का या किसी विशेष स्थान का कड़ापन आदि कष्टों में के लिए है। मदर टिंचर कुलियस एरोमेटिकस,
पत्थर के चूर से यह दवा बननी है। इस औषधि की प्रूविंग अब तक होम्योपैथिक प्रणाली से नहीं हो सकी है, किंतु होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अनुसार समान भाग सुरासार के सम्मिश्रण से दवा बनाई जाती है और बड़ी सफलतापूर्वक मूत्र किस हैजा में मूत्र अवरोध, मूत्र पथरी, मूत्र में लाल बालू की तरह का पदार्थ निकलना, पेशाब में खून न जाना या पेशाब खून का पेशाब होना आदि। मदर टिंचर केलोराइड्रन इनफॉर्चुनेटम। उकाई आना, मुंह में पानी भर आना, मिचलाहट के साथ ही पतले दस्त, फेन भरा और हरे रंग का होना, पुराने ज्वर की हालात में यकृत तथा प्लीहा का बढ़ जाना और धीरे धीरे दर्द होना, तीसरे पहर धीमा बुखार होता है, नेत्रों में जलन, मिचली तथा मुंह से फेन आना आदि। मदर टिंचर काल में यह औषधि का प्रयोग प्राय बच्चों की बीमारियों में विशेष रूप से किया जाता है। इसका प्रयोग बच्चों के यकृत, प्लीहा बढ़ने, ज्वर, सतत ज्वर, कमला रोग, आँख, पेशाब, पखाना पीला होना आदि में लाता है। मदर टिंचर केलोट्रोपियस जाइगेस्टिया। इस दवा का प्रयोग सिर दर्द, सिर में चक्कर, रतौंधी, रक्त मूत्र, पीप मिश्रित, सिलेस्मा का स्राव, कुष्ठ रोग, घाव का सड़ना, गैंग्रीन, रक्तवर्ण के घाव इत्यादि। मदर टिंचर केरिका पापिया। जिन लोगों का की पाचन शक्ति निर्मल हो चुकी हो, जो लोग मछली, अंडा, मांस आदि, यहाँ तक कि साधारण दूध भी हजम नहीं कर सकते, उनके लिए केरिका पपेया अमृत के समान है। मदर टिंचा कार्डुअस मेरिएनस। इस दवा का व्यवहार प्राय जिगर एवं संयुक्त शिरामंडल संबंधी रोग में होता है। यह उन लोगों को ज़्यादा लाभदायक है जो खान में काम करते हैं। दमा रक्तधिक जो जिगर की बीमारी के कारण होता हो, अथवा जिगर की बीमारी के कारण सूत, जिगर के कारण कमजोरी, इन्फ्लुएंजा आदि रोगों में इसके प्रयोग लगता है। मदर टिंचर कैलेंडुला ऑफिसी नेलिस। जो स्थान कट कर खून निकलता है, उस स्थान पर इसका बाहरी या भीतरी प्रयोग करने पर खून निकलना तुरंत बंद हो जाता है। मदर टिंचर केंथा फेलिस्ट्रस। यह दवा सर्वांग सूत तथा चर्म पर अंडाकार फोड़े, जांग में खुजली, भरे दानों के लिए। मदर टिंचर कास्टेनिया वेस्का। यह सूखी टनक वाली खांसी, वूपिंग कफ की प्रधान अवस्था में लाभदायक दवा है। मदर टिंचर कैटारिया नपेटा। बच्चों के शूल रोग, स्नायविक सिरदर्द, मूर्छा रोग, शरीर पर ऐठन, बच्चों का रोना और चिल्लाना आदि कष्टों में इसका प्रयोग होता है। मदर टिंचर कोलोफाइलम। इस दवा का प्रयोग केवल स्त्री रोगों में होता है। प्रसव तक दर्द, प्रसव में विलंब, जरायु मुख कड़ा होने के कारण छोटी छोटी संधियों में दर्द आदि में ही है। मदर टिंचर कैसिया सोफोरा। श्वास कृशता, दम्मा और सांप एवं बिच्छू के काटने पर हिचकी, खांसी, कई प्रकार के और हुपिंग कफ आदि रोगों में इस दवा से लाभ होता है। मदर टिंचर कनाविस इंडिका। सूतको उन्माद, मिर्गी, पक्षाघात
एक वस्तु का दो दिखाई देना, तुतला का बोलना, दर्द युक्त लिंग उत्थान, प्रमेह और सिर की पीड़ा आदि रोगों में दवा का व्यवहार होता है। अदर टिंचर कनाइवे सेटाइवा, इस दवा का प्रयोग दूषित वर्ण, मूर्छा, वायु, सिर पीड़ा, मूतेंद्रिय की बीमारी, प्रमेह, स्त्री रोग तथा बालिकाओं के सफेद प्रदर और रक्त प्रदर आदि बीमारियों में सफलतापूर्वक होता है।